हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर वन सॉल्यूशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.16 पे बात करेंगे। इससे पहले मैंने 1.15 तक के वीडियोस अपलोड किए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देखना ज़रूर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1.16। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म में आइडियल सॉल्यूशन, दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। 373 केल्विन पर वेपर प्रेशर दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स का तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, प्योर लिक्विड्स का है। वॉट विल बी द वेपर प्रेशर मिक्सचर इफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन को हमने मिक्स किया। तो मैं ए ले रहा हूँ हेप्टेन के लिए और बी ले रहा हूँ मैं ऑक्टेन के लिए, ठीक है। ये लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बार बार हेप्टेन ऑक्टेन लिखना पड़ेगा। ऊपर मैंने लिख दिया ए हेप्टेन बी ऑक्टेन। अब पी ए नॉट हमें दिया हुआ है 373 केल्विन पर, हेप्टेन का 105.2 किलो पास्कल, ठीक है। इसका मास जो हमने डिसॉल्व किया है वो है 26 ग्राम, ठीक है। हेप्टेन का मोल मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है C7H16, ठीक है। तो इसका मोलर मास हो जाएगा 12 × 7 + 16 × 1, मतलब 12 × 7 = 84 + 16, दैट इज 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हमारा Na जो हो जाएगा वो होगा, सॉरी ये WA लेंगे इसको, और ये MA होगा। तो WA बाय MA ये हो जाएगा 26/100, विच इज 0.26। ऑक्टेन हमारा B है, तो PB नॉट हमें दिया हुआ है 46.8 किलो पास्कल, WB हमें दिया हुआ है 35 ग्राम, MB हमारा हो जाएगा, ऑक्टेन का फॉर्मूला होगा C8H18, तो 12 × 8 + 18 × 1, तो 96 + 18 विच इज 114 ग्राम पर मोल। अब NB निकाल लें तो ये होगा WB बाय MB, विच इज 35/114। इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.30 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। X से हमारा होगा Na अपॉन Na प्लस NB, तो Na हमारा है 0.26, नीचे 0.26 प्लस 0.30, तो ये हो जाएगा 0.26 अपॉन 0.56, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, इसे हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा ये 0.46, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हमें मिल गया। XB कितना होगा 1 − x से, तो 1 − 0.46 विच इज 0.54 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर दोनों का हेप्टेन ऑक्टेन का मिक्सचर में, मतलब हमें PA और PB निकालना है। तो PA हमारा होता है PA नॉट X से बाय राउंड लॉ, PA नॉट हमें पता है X से हमने निकाल लिया, पुट कर देते हैं, PA नॉट हमारा 105.2 और X से हमारा 0.46, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा ये 48.3 किलो पास्कल। PB इज इक्वल्स टू PB नॉट XB, भाई आइडल सॉल्यूशन है तो दोनों राउंड लॉ को फॉलो करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं। PB नॉट हमारे पास है 46.8 और XB हमारा 0.54, दोनों को इनटू करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 25.27 किलो पास्कल। तो ये हमारा आंसर आ गया, PA हमारा आ गया 48.3 किलो पास्कल एंड PB हमारा 25.27 किलो पास्कल, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, दोनों का वेपर प्रेशर पूछा था मिक्सचर में, तो वेपर प्रेशर मीन्स PA और PB निकालना था, तो हमने राउंड लॉ लगाया PA नॉट X एंड PB नॉट XB, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है कि आइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने X से XB निकाला, फिर ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा 1.17 पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।